हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं अम्ब्रेला स्लीव्स, फुल अम्ब्रेला स्लीव ब्लाउज में कैसे लगाई जाती है ये हम आपको बताएंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और हमने ये ब्लाउज पूरा बनाकर पूरा रेडी कर लिया है। सिर्फ अभी हमने स्लीव्स इसमें नहीं लगाई है, स्लीव्स हम इसमें लगाएंगे इस कपड़े की, वो भी 3 लेयर्स में अम्ब्रेला। तो इसको हम पहले ओपन कर लेंगे कपड़े को। ये हमने सिंगल कर लिया है, यहाँ से पकड़ के ये दोनों किनारे मिला के इसको हम डबल कर लेंगे। ये हमने डबल कर लिया है किनारे मिला के। यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है बीच में से, ये हमारा 2 बार फोल्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये कपड़ा यहाँ से हमारा लगभग 11 इंच का है, यहाँ से इसका आरत, और इसको लगभग हमने यहाँ से 11 इंच का फोल्ड कर लिया है। तो दोनों साइड से 11-11 इंच का हो गया है। अब यहाँ से हम 10.5 से 11.5 इंच पे लगभग ये हम सभी जगह एक जैसा नाप लगा लेंगे इसमें। ये देखिए 10.5 इंच हम सभी जगह निशान लगा लेंगे। इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। ये देखिए हमने सभी निशानों को मिला दिया है। अब इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे निशान के ऊपर से। ये देखिए इसकी कटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ से हमें इसकी गोलाई की कटिंग करनी है। इसके लिए पहले हम इसको थोड़ा ऊपर खसकाएंगे। इसको हम 3 इंच हमने इसको ऊपर खसकाया है, 3 इंच इसको हमने अप डाउन कर दिया है, यहाँ से 3 इंच ऊपर रख लिया है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। लेंथ हमें चाहिए इसकी 10 इंच और यहाँ से हमारी गोलाई की कटिंग होगी तो ये हमारी परफेक्ट लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ से हम गोलाई कटिंग करने के लिए हमने ये ब्लाउज लिया है, इसकी हम आर्मोल्स चेक करेंगे। आर्मोल्स कितने इंच के हमें कट करने हैं स्लीव्स में। तो यहाँ से हम कॉर्नर से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से फिटिंग के पास से लेंगे, इंची टेप से नापेंगे इसको गोल गोल में। आर्मोल्स चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए लगभग 13.5 से 13.5 लगभग आ रहा है। इसको 14 इंच राउंड फिगर ले लेंगे और इसका 1/4 लगाएंगे, मतलब 1/4 हमें इसका लेना है। 1/4 इसका हमारा लगभग 3.5 इंच आ जाएगा। 3.5 इंच इसको हमें गोलाई में इसको कटिंग करना है तो हमें यहाँ से 2 इंच निशान लगाना है, 1/4 से 2 इंच। यहाँ पे भी इतना ही निशान लगाएंगे हम और यहाँ पे भी लगा लेंगे बीच में। इन सभी निशानों को मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से गोलाई में मिला दिया। अब इसको नाप के देखेंगे ये 3.5 इंच आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा 3.5 इंच आ रहा है, 3.5 इंच आ गया। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा बहुत ही खसकने वाला है, आप देख लीजिए, आराम से काटिएगा आप भी अगर इस टाइप का कपड़ा लेते हैं तो। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा हमारा, ये ऊपर वाले में नहीं लगाना है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें हमें कट लगाना है। ये वाला जो कट है ये हमारे शोल्डर के पास आ जाएगा। इस ये वाला नीचे वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आएगा नीचे साइड। अब हमने ये दूसरा फैब्रिक लिया है, इसमें से हम दूसरी लेयर कट करेंगे। ये हमने 7.5 इंच का लिया है यहाँ से। अब इसको हम यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे बीच में से। इसको भी हमने 7.5 इंच का लगभग फोल्ड करना है। ये देखिए नाप के देख लेंगे, यहाँ से हमारा 7.5 इंच था, यहाँ से भी हमने इसको 7.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब सभी जगह हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे गोलाई में। देखिए इस तरीके से 7.5 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे। इन सभी निशानों को मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको भी हमें अप डाउन करना है, जैसे हमने पहली वाली लेयर को किया था 3 इंच अप, तो इसको भी हमने 3 इंच अप कर लिया है। और यहाँ से जैसे हमने इसकी गोलाई कटिंग की थी आर्मोल्स की, ऐसे ही इस वाले की भी कर लेंगे हम। ये देखिए 2-2 इंच के निशान लगा के इसमें गोलाई कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे गोलाई से ही। अब हमें एक और लेयर कट कर रहे हैं, इसमें हमने 5-5 इंच का फैब्रिक लिया है। जैसे हमने इस वाली को कट किया था ऐसे गोलाई में इसको भी कट कर लेंगे और यहाँ से आर्मोल्स भी कट कर लेंगे। 5-5 इंच पे हमने सभी जगह निशान लगाकर इसकी कटिंग कर रहे हैं और इसको भी हम अप कर लेंगे।
जैसे हमने उसको 3 इंच किया था, इसको हम 2 इंच कर रहे हैं क्योंकि हमारी छोटी वाली झालर है। छोटी वाली झालर के लिए हमने थोड़ा कम लिया है। अब यहाँ से भी हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल्स की कटिंग करने के लिए, और इसकी गोलाई करके इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये तीनों ही लेयर्स की हमारी कटिंग हो गई है। ये तीनों झालर कट चुकी हैं। ये हमारी फर्स्ट है जो हमने 10 इंच की कट की है, ये सेकंड है 7.5 इंच की, और ये वाली 5 इंच की कट की है। अब इन तीनों ही झालर को हम बनाएंगे। स्लीव्स में कैसे लगाना है, इसको हम कैसे लगाएंगे ब्लाउज में, ये देखिए आप। ये तीनों जैसे हमने इसमें कट लगाया था वैसे हम तीनों में भी कट लगा लेंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे, इसमें से हमें एक झालर हटा देंगे और ये कट देखेंगे। कट को लेकर चलना है हमें। ऐसे हम दूसरी वाली लेंगे, दूसरी वाली को भी इसके ऊपर रखेंगे कट को मिलाकर। ये देखिए हमारा कट मिल रहा है यहाँ पर। इसमें से भी एक झालर हटा देंगे। इसके बाद हम तीसरी वाली झालर लेंगे, इसका भी बड़ा वाला हिस्सा हम कट के पास रख लेंगे। ये देखिए इसका भी कट मिल रहा है हमारा, और एक झालर इसमें से भी हटा देंगे। अब इन सभी के हमने कट्स मिला के रख लिया है। ये देखिए ये सभी के कट्स मिल रहा है, और उसमें गोल गोल हम सिलाई लगाएंगे ताकि तीनों अटैच हो जाएं। तीनों को अच्छे से मिलाकर हम ये सिलाई लगा रहे हैं इसमें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने इसको बीच में से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें शोल्डर की बीच इसको पकड़ लेना है, और इस ये जो कट था हमारा ये लेना है। जहाँ हमारा शोल्डर की सिलाई आ रही है वहीं हम इस कट को रखेंगे, और इसको इस तरीके से नापेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नापते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ आर्म होल्स के नीचे साइड पहुँच गए हैं। 1 इंच ऊपर साइड हमने इसको पकड़ लिया है, और ये जो हमारा मार्जिन था इसमें पहले ही हमने उसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसमें 1 इंच ऊपर से मार्जिन के। इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। एक बार में ये सही नहीं बैठेगा, क्योंकि अब हम मार्जिन के पास पहुँच गए। इसको हमने पहले ही फोल्ड करके रखा था। अब इसको हम अंदर कर देंगे, और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से इसमें हल्की हल्की से चुन्नट बना देंगे, ताकि हमें बाद में इन फ्यूचर कभी भी ब्लाउज को या जो भी ड्रेस आप बना रहे हैं उसको ढीला टाइट करने में आपको दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से कर सकें। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा दी है। इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे। यहाँ पूरी स्लीव्स इसमें लग चुकी है, अम्ब्रेला वाली वो भी कुछ इस तरीके की आई है हमारी। ये देख लीजिए आप, ये तीनों ही लेयर हमारी इसमें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब इन तीनों लेयर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पीको कर लेंगे हम गोल गोल, और इस साइड भी हम ऐसे पीको कर लेंगे दोनों फ्रिल में। ये हमने पीको करके कंप्लीट कर लिया है इसको। देखिए इस साइड ही पीको हो गई हमारी। ये पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है, आप अपने ड्रेस में जरूर ट्राई करें। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।